गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी विल प्रैक्टिस सम ऑफ द क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर वन. थ्री कॉइल्स आर गिवन. क्वेश्चन नंबर वन, तीन कॉइल्स है. इसका है 0.2 मीटर और ये है 0.8 मीटर. ठीक है, और ये है 0.4 मीटर और ये है 0.6 मीटर. ठीक, और अगला है, तीन कॉइल्स हैं, कॉइल ए, कॉइल बी और कॉइल सी. ठीक, थ्री वायर्स ईच ऑफ लेंथ 2 मीटर आर बेंट इनटू डिफरेंट शेप. ये 2 मीटर का टोटल लेंथ है और उसको अलग अलग शेप में चेंज कर दिया गया है. ठीक है, हमें बताना है कि किस केस में जो टॉर्क है वो मैक्सिमम रहेगा. ठीक है, किस केस में जो टॉर्क रहेगा इन कॉइल्स में क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा. और तो इसमें करंट भी फ्लो हो रहा होगा. मैं जानता हूँ टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एम आई ए बी. ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क फ्लो हो रहा है तो इसके अंदर, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. परपेंडिकुलर सब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल्स रखे हुए हैं, कॉइल्स के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, एरिया बस इसमें ये दिया हुआ है लेंथ और इसका ये. तो सबकी लेंथ बराबर है तो शेप सिर्फ अलग अलग है. तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, नंबर ऑफ टर्न सेम है, करंट सेम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. तो यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो कितना, यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा. तो देखो जी, सबसे ज़्यादा इसमें करेंगे 8 × 16 1.6 0.16, इसमें करेंगे तो 0.12, इसमें करेंगे तो कितना है 0.25, यानी मीटर स्क्वायर. तो सबसे ज़्यादा जो एरिया किसका है, इसका है. तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो जिसका जो एरिया ज़्यादा हो जाएगा उसमें टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. तो आंसर इज थर्ड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता आता है कि टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर बेंट इन द शेप ऑफ टू लूप्स. दोनों वायर की लेंथ इक्वल है, लेंथ क्या है, सेम है, लेकिन एक बनाया स्क्वायर और एक बनाया सर्कुलर. ठीक है, एक लूप हमने बनाया स्क्वायर और एक हमने लूप बनाया सर्कुलर. सो होता है कि और प्लेस्ड इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड विच विल एक्सपीरियंस द ग्रेटर टॉर्क. इन दोनों कॉइल्स को सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा, सेम करंट फ्लो हो रहा था, लेंथ भी सेम था, सिर्फ शेप अलग अलग थे. तो किस कॉइल में टॉर्क ज़्यादा लग रहा होगा. देखो जी, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. तो फॉर अ गिवन रेडियस जो सर्कल का जो एरिया होता है वो मैक्सिमम होता है. तो इस शेप की कॉइल में जो टॉर्क लगेगा वो क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा. ठीक है, फॉर अ गिवन पेरीमीटर एरिया ऑफ सर्कल इज मैक्सिमम. एक क्वेश्चन देखो जी, एम्पियर सर्किटल लॉ पे है. क्वेश्चन नंबर थ्री, ये फर्स्ट सेगमेंट है, ये सेकंड सेगमेंट है, ये थर्ड सेगमेंट है. करंट ऐसे फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमें बताना है. एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है.
तो क्या होता है फिर सर्किट का लॉ, डी बार डी एल इज इक्वल टू कितना होता है म्यू जीरो टाइम्स करंट आई, ये किसके लिए, फर्स्ट लूप के लिए। और सेकंड लूप कितना हो जाएगा, डी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, आई आ रहा है आई जा रहा है तो नेट कितना हो गया जीरो। नेक्स्ट थर्ड के लिए कितना हो जाएगा, डी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू जीरो आई। तो ये था इसमें, क्योंकि इस क्लोज लूप में करंट आ रहा है और जा भी रहा है तो नेट कितना हो जाएगा जीरो, लेकिन यहाँ पे आ रहा है यहाँ जा रहा है तो इसमें म्यू जीरो आई ही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है देखो कुछ लूप